अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मटन के कोफ्तों का सालन बनाने जा रही हूँ। उसके लिए 3 पाव मटन है, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ी कोथमीर, 5 हरी मिर्ची, 1 नींबू, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन, 1 मीडियम साइज प्याज, 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्ची और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून नमक, थोड़ा सा खोपरे का पाउडर, 20 बादाम, 20 काजू, 6 टेबलस्पून तेल, 2 टेबलस्पून बेसन, 4 इलायची, 4 लौंग, थोड़ी सी शाहजीरा, 3 दालचीनी और खसखस, थोड़ी शाहजीरा मिला इसमें, थोड़ी सी खसखस, 1 कप दही, गोश्त को छोटे छोटे पीसेस कर लेना। और इसको छोटे छोटे टुकड़े कर ली मैं, और इसमें थोड़ी सी मिर्ची, हल्दी, थोड़ा नमक, बेसन, कोथमीर, पुदीना, मसाले पूरे डाल के इसको अच्छे से मिला लेना। अब इसको ग्राइंड कर लेना। अब ये काजू, बादाम, खोपरा और ये पूरे, थोड़ी खसखस, शाहजीरा, लौंग, दालचीनी, इलायची पूरे पीस लेके हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चूल्हा ऑन कर ली, तेल डालना इसमें, तेल गरम हो हाई फ्लेम पे इसको ब्राउन कलर के कर लें। Thank you.
कोफ्ते तले हुए तेल में डाल देंगे। फ्लेम पे प्याज को ब्राउन कर लेना। प्याज ब्राउन हो गई, अब इसमें अदरक लहसुन लो फ्लेम पे मिर्ची नमक हल्दी और उसमें दही डाल देना। लो फ्लेम पे धीमे बेसन डाल देना। अब इसको मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट भुनिए। 5 मिनट अच्छे से भून लेना इसको। एक ग्लास पानी डाल देना। ये गाढ़ा हो रहा और एक आधा ग्लास इसको 2 मिनट पका लेना। थोड़ा कोथमीर पुदीना, दो मिनट इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे। 2 मिनट हो गए, इसमें कोफ्ते छोड़ दें। फ्लेम पे इसको 10 मिनट पकाएंगे। ये 10 मिनट हो गए, 5 मिनट लो फ्लेम पे रखें। 5 मिनट दम पे रखिए, बंद कर देंगे। कोफ्तों का सालन तैयार है। लाइक शेयर सब्सक्राइब। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।